को भी तो एक्टिंग का शौक है शायद. एंड ऑल्सो यू गॉट अ फ्यू ऑफर्स फ्रॉम द मूवीज टू, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? मैंने वीना कुछ एक दो प्लेज किए हैं टीवी के, लेकिन वो इसलिए कि कुछ अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने ऑफर्स वगैरह की मुझे उनकी वजह से. लाइक सायरा काजमी का मैंने किया था, तुमसे कहना था एक प्ले किया था. और मूवी का ये है कि मुझे ऑफर्स ऑफ एंड ऑन होती रहती हैं, लेकिन करने का अभी फौरन इरादा यूँ नहीं है कि मैं अपना म्यूज़िक की तरफ, मेरी जो प्रायोरिटी है दैट्स म्यूज़िक. तो एक्टिंग करूँगा आहिस्ता आहिस्ता कभी कभी. फिल्म का ये कि जब कोई अच्छा सब्जेक्ट आएगा तो ज़रूर करने का इरादा है, लेकिन अभी फौरन नहीं. अभी तो म्यूज़िक को ही अच्छी तरीके से करना है. तो आपको म्यूज़िक का शौक कब से हुआ और कैसे? इट्स बीन ऑलमोस्ट 10 years नाउ इस फील्ड में मुझे रहते हुए. और मज़ीद अभी आई वुड सर्टेनली बी एडिंग सेंट ऑफ माई म्यूज़िक टू द पॉप सीन. और शौक़ मुझे इस तरह हुआ जैसे लोगों को होता है स्कूल कॉलेज में ही गाते हैं और फिर लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो उस तरह स्टेप बाई स्टेप आप यू गो फर्दर. सो उसी तरह शौक़ पैदा हुआ, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता. पहले जब शुरू हुआ तो मैं कहता था कि इट्स अ पार्ट टाइम प्रोफेशन टू मी, लेकिन फिर वो पार्ट टाइम प्रोफेशन भी, बिकॉज मैं इंजीनियरिंग कर रहा था. अच्छा. और आई एम बेसिकली अ सिविल इंजीनियर. मैंने पूरी अपनी डिग्री कंप्लीट की है, लेकिन फिर दिल ऐसा लगा म्यूज़िक की तरफ कि अब किसी और तरफ जाने को दिल नहीं करता. सो यू आर फुल टाइम म्यूजिशियन? ऑलमोस्ट हाँ. मतलब है मेरा, कभी कभी ये होता है कि मैं जो मेरे जो फ्रेंड्स हैं या जो और लोग हैं जो मेरे साथ के जो इंजीनियर्स हैं उनके ऑफिस में कभी चला गया, ये वो अपना ज़रा रिवाइव करने के लिए. लेकिन ज़्यादातर कंसंट्रेशन मेरी अब म्यूज़िक की तरफ ही है. तो चलिए कुछ गाने वाने सुने. अब गाना बिल्कुल सुनते हैं. अभी आपको एक गाना दिखाते हैं. बहुत ही मशहूर सिंगर हैं पाकिस्तान के. मैं ये कहूँगा कि सिंगर्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सुरीला सिंगर होना बड़ी बात होती है. तो मेरा एक बड़ा पसंद का सिंगर है जिसका नाम है सजाद अली. वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिंगर पाकिस्तान. दिस इज सजाद अली. हाय. अच्छा, ये आपकी काफ़ी तारीफ वगैरह कर रहे थे, पता नहीं इनको क्या घुल मिल पिला दिया आपने, पता नहीं. ये खुद बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और आर्टिस्ट से ज़्यादा दोस्त बहुत अच्छे हैं. ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड. तो ये अगर मैं ना भी अच्छा आर्टिस्ट होता तो ये मेरी तारीफ ऐसे भी करते. नहीं ये, अच्छा तो ये बात तो वीना है, लेकिन मैं बताऊं कि सजाद अपनी आदत के मुताबिक ये बहुत लोनली वो होते हैं ना, अलग रहने वाले, बहुत वो एक जगह कोने में कहीं, ये हम सारे जा रहे होंगे, ये अपना कोई म्यूज़िक कंपोज कर रहे होंगे या कुछ लिख रहे होंगे, तो ये किस्मत से अभी मिल गए, ये इस तरह मिलते नहीं हैं. और ये हमारी खुशकिस्मती है कि इस दफ़ा जो हमने ये टूर किया है तो हालांकि आवाज़ भी साथ है, शहजाद रॉय भी है, उज़्मा शाह भी हैं, ये सारे बहुत बहुत ज़बरदस्त सिंगर्स हैं, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मैं सजाद के साथ मैं ट्रैवल कर रहा हूँ. ये टूर इतना सक्सेसफुल हुआ है और ये सारी टीम की ही बात है. और जिस तरह हम परफॉर्म करते हैं तो लोगों को भी पता चलता है कि कितना ज़्यादा इन लोगों में यूनिटी है. अभी आपने बेबिया देखा, इससे पहले एक हफ्ते में हमने चीफ साहब देखा था. हाँ, वो तो सभी ने देखा. बिल्कुल, ये सारी जो आइडियाज़ हैं, बल्कि और बहुत से सजाद के महीवाल और मेरा बुलबुल और ये सारे गाने बे इंतहा पाकिस्तान में पॉपुलर हैं और लोग दीवाने हैं सजाद अली के नाम के. तो आपसे तो बहुत बातें होली, अब मैं उनसे भी थोड़ी बात कर लूँ. तो सजाद जी, आपको म्यूज़िक का शौक कैसे हुआ? ये बहुत अच्छा सवाल है. इसका कोई जवाब नहीं है. म्यूज़िक का शौक मुझे म्यूज़िक का शौक तो कभी भी नहीं था. मुझे पता था कि मुझे म्यूज़िक करनी है, सो मैं म्यूज़िक कर रहा हूँ. मैं वीना ये बताऊँ कि कुछ लोग होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, जिनको कुछ, हालांकि सजाद ने बहुत रियाज़ किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, लेकिन सजाद के बारे में अगर ये कहा जाए कि बस जो काम ये करते हैं उसमें इनको अल्लाह की तरफ से कामयाबी ही मिलनी होती है. जितने गाने, जितने एल्बम सजाद ने किए हैं, और सजाद जो हैं वो हमसे बहुत सीनियर भी हैं, और हम लोग जो सजाद के बाद आए हैं उन्होंने बहुत कुछ सजाद से
सीखा है बहुत ज़्यादा, और बल्कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, मैं जब इंडिया गया था ये अपना चांसा मकड़ा करने के लिए, तो बहुत से सिंगर्स मुझे ऐसे, इंडियन सिंगर्स मुझे ऐसे मिले जो जो किसी को भी नहीं जानते लेकिन सजाद अली को जानते हैं वहाँ पे। तो ये सजाद के की बड़े इसके क्रेडिट पे बहुत ज़्यादा कामयाबी हैं, और मेरे ख्याल में ये बहुत कम आर्टिस्टों के नसीब में इतनी ज़्यादा कामयाबी है। सजाद ये बता कि शो किया अभी हमने यहाँ मियामी में, इससे पहले भी शो कर चुके हैं यहाँ पे, तो इस दफ़ा का शो कैसा लगा? ये जो शो हम मियामी में कर चुके हैं, उससे पहले भी शोज़ कर चुके हैं, लेकिन ये शो बहुत डिफरेंट था। एक तो बहुत मज़ा आया, इसमें सारे टीनेजर्स बहुत ज़्यादा थे। सजाद ये बताओ कि हम लोग तो काफ़ी सालों से गा रहे हैं, जो नए सिंगर्स हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में, क्योंकि पॉप म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है इस वक्त, तो कौन सिंगर अच्छा लगता है जो तुम्हें लगता है कि आने वाले सालों में जो जिसकी ज़्यादा अच्छी बात होगी? वैसे तो बहुत अच्छे अच्छे बैंड्स आ रहे हैं, सोलो सिंगर्स आ रहे हैं, लेकिन एक आर्टिस्ट जो कि मुझे खुद ज़ाती तौर पे अच्छा लगता है, वो एक तो आर्टिस्ट भी अच्छा है और इंसान भी बहुत अच्छा है। ये दोनों चीज़ें होनी बड़ी ज़रूरी हैं, खाली आर्टिस्ट अच्छे होने से नहीं बात बनती, साथ साथ नेचर भी अच्छी होनी चाहिए। तो मुझे एक लड़का बहुत अच्छा लगता है, और मुझे ये बहुत अल्लाह ताला से उम्मीद है कि वो बहुत तरक्की करेगा, मेहनत करेगा, तो क्योंकि उसमें सारे पोटेंशल्स हैं, और बड़ा प्यारा सा हमारा दोस्त है, छोटे भाइयों की तरह से है। कहीं शहजाद रॉय की बात तो नहीं कर रहे? बिल्कुल शहजाद रॉय की बात करूँ, और वो यहीं पर, अगर कहो तो मैं बुलाऊँ।